महाराष्ट्र के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर से आए एक यात्री की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। हालांकि फिलहाल मरीज को महानगर पालिका के आइसोलेशन रूम में रखा गया है। यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा पान पाटिल ने बताया कि मरीज के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए मुंबई भेजा जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्पष्ट होगा कि वह ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं। व्यक्ति साउथ अफ्रीका से आया था, तो वो पॉजिटिव था उसका रिपोर्ट। तो जैसे ही हमको पता चला, हमने उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया हुआ है अपना आर्ट गैलरी कोविड केयर सेंटर में, और पेशेंट अभी स्टेबल है, पेशेंट को कुछ साइन सिम्टम नहीं है। पेशेंट के जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट है उनका भी हमने टेस्टिंग किया, तो उनके रिपोर्ट भी निगेटिव आए हैं। और पेशेंट का जो सैंपल है वो हमने जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए कस्तूरबा लैब में भेजा है। कैसे मालूम पड़ा ये? एक्चुअली कैसे हुआ कि पेशेंट का फ्लाइट केप टाउन टू दुबई, दुबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, ऐसा पेशेंट का फ्लाइट था। और पेशेंट 24th को एक्मे लैब, हमारे इधर जो डोंबिवली की लैब है, वहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग किया तो वो पॉजिटिव आया। तो मुझे लैब से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे उनका ऐसे हिस्ट्री है ट्रैवल का, तो आप थोड़ा क्रॉस चेक कर लो। तो तभी हमको पता चला, और फिर उसके बाद हमने बाकी का सब प्रोसीजर था वो फॉलो किया।